हे देयर एवरीवन, दिस इज फेक बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेक्सन के HMI डिस्प्ले के बारे में, जिसको मैंने आज ऑर्डर किया है। और इस डिस्प्ले का हम यूज करेंगे अपने आर्डिनो यूनो के साथ में। कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी इस डिस्प्ले की GUI को क्रिएट करने के लिए, और कैसे इसमें हम प्रोग्राम अपलोड करेंगे GUI का अपने, और कैसे हम आर्डिनो यूनो के साथ में इंटीग्रेट करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पर सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड देन हम इसकी GUI को क्रिएट करेंगे और आर्डिनो के साथ में कैसे इंटीग्रेट करना है ये देखेंगे। तो चलते हैं हम इसको अनबॉक्सिंग करने की ओर। तो अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। तो मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के साथ इस डिस्प्ले को भेजा जाता है ताकि इसकी जो स्क्रीन है वो डैमेज ना हो। तो ये है हमारी 2.8 इंच की नेक्सन की HMI डिस्प्ले, और इसमें कुछ पोर्ट हैं। ये पोर्ट है जहाँ पर हम चिप को लगा सकते हैं अपने, और यहाँ पर ये कनेक्टर का दिया गया है, यहाँ पे फिल के लिए दिया गया है। और ये है मेरी 2.8 इंच नेक्सन HMI डिस्प्ले, और यहाँ पे इसका सीरियल नंबर ये पड़ा होता है। और इसी के साथ साथ ये एक कनेक्टर दिया जाता है जिसको हम अपने डिस्प्ले के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं, और इसमें ये चार पिन दिए गए हैं, ग्राउंड, RXD, TXD और 5 वोल्ट। तो इस डिस्प्ले को हम 5 वोल्ट पावर देते हैं, 5 वोल्ट से ये चलती है। और इसी के साथ साथ इसमें एक ये कनेक्टर भी दिया गया है जो कि 5 वोल्ट कनेक्टर है, जिसे आप चार्जिंग पोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं इसमें और अपने डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ में इतना ही आता है। अब इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट होती है इसके कोड अपलोड करने के लिए। तो कोड अपलोड करने के लिए मैं यूज करूँगा USB to TTL कन्वर्टर, जिसमें पिन होते हैं RX, TX, ग्राउंड और VCC। तो इससे हम इजीली इसमें कोड अपलोड कर पाएंगे। और दूसरा तरीका होता है कि हम एक चिप में कोड अपलोड करें और इसका, और इसके बाद हम यहाँ पर चिप लगा दें तो उससे यहाँ पे कोड अपलोड हो जाता है। पर हम उस तरीक़ों को नहीं यूज करते हुए हम ये सिंपल तरीका यूज करेंगे। तो चलते हैं और कैसे इसका कोड अपलोड करना है ये भी देखेंगे, और कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है इसकी GUI को क्रिएट करने के लिए वो भी देखते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। फो नेक्सन डिस्प्ले में GUI बनाने के लिए हमको जो एडिटर की ज़रूरत है वो है नेक्सन एडिटर। नेक्सन अपनी तरफ से एक एडिटर प्रोवाइड करता है जिसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी GUI को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाउनलोड करते हैं नेक्सन एडिटर को, नेक्सन एडिटर, और इसके बाद तो यहाँ पर डाउनलोड नेक्सन आ गया है। तो नेक्सन फॉर नेक्सन की वेबसाइट है nexon.tech। तो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, और यहाँ पे आप जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या फिर exe फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर exe फाइल को डाउनलोड कर देता हूँ, और इसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कैसे इसमें हम GUI को बनाते हैं। तो ये मेरी डाउनलोड होने लगी है, और तो मेरी ये exe फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको मैं डबल क्लिक करूँगा ताकि ये इंस्टॉल हो, और इंस्टॉलेशन के स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाएगा आपको, जब आप इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करेंगे तो आप इसमें लेफ्ट लेफ्ट करते जाएंगे और आपका ये नेक्सन एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अब हम इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, और इसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। तो ये मेरा नेक्सन एडिटर, मैं इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद ये इस तरह से कुछ इसमें ओपन होगी जो इसकी GUI है। और मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं तो मेरे फाइल में कुछ प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं, पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यू में जाऊँगा। न्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ नाम दे दूँगा, तो मैं दे देता हूँ Tutorial 1, और इसके बाद यहाँ पर आपको चूज करना होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट द मॉडल। तो आपको अपनी नेक्सन डिस्प्ले का मॉडल चूज करना है, आप कौन सा यूज कर रहे हैं, बेसिक, डिस्कवरी, इनहैंस्ड या इंटेलिजेंट। तो बेसिक जो आता है वो ब्लू कलर की PCB के साथ में आता है, जो PCB कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जो इनहैंस्ड होता है वो होता है ब्लैक कलर का। तो जो हमारी डिस्प्ले है 2.8 इंच की वो इनहैंस्ड डिस्प्ले है क्योंकि वो ब्लैक कलर पर है, और उसी के साथ साथ वहाँ पे जो मॉडल नंबर लिखे होते हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मॉडल नंबर आप कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरी इनहैंस्ड डिस्प्ले है तो मैं यहाँ इनहैंस्ड पर क्लिक करूँगा। इनहैंस्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मॉडल नंबर चूज कर सकते हैं, जो भी आपका है वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग साइज के लिए अलग अलग मॉडल दिए गए हैं।
सो हमारी जो इनहेंफ डिस्प्ले है वो 2.8 इंच की डिस्प्ले है, तो मैं 2.8 इंच पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, इसके बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले की डायरेक्शन चूज करनी होगी, आप वर्टिकल रखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं, वर्टिकल 180, हॉरिजॉन्टल 270, तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल 90 कर देता हूँ और इसके बाद क्लिक ऑन ओके। अब इसके बाद यहाँ पे आप ही की डिस्प्ले की साइज की एक जीयूआई दिखेगी आपको, यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी। अब सबसे पहले हम एक फॉन्ट को जनरेट कर लेते हैं। फॉन्ट को जनरेट करने के लिए जाएंगे हम टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद फॉन्ट जनरेटर, फॉन्ट जनरेट में यहाँ पे मैं फॉन्ट की जो हाइट है वो दे देता हूँ 24। यहाँ पे फॉन्ट आप चूज कर सकते हैं कौन सा आप चूज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर अभी के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट सेंस सेरिफ रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट का नाम देना होता है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फॉन्ट 1 और इसके बाद जनरेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको उसी फॉन्ट का दोबारा नाम देना होगा यहाँ पर, तो मैंने फॉन्ट 1 दे दिया एंड क्लिक ऑन सेव, तो ये फॉन्ट आपका जनरेट हो गया। अब ओके क्लिक कर देंगे और यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे। अब हमारा फॉन्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट उठा लेता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। अब टेक्स्ट यहाँ पर आ गया, तो इसके बाद यहाँ पर आप कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो साइड में ये मेनू बार आ रहा है जिसमें यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट दे पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे हेलो, तो हेलो आ गया है यहाँ पे। इसके बाद इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें स्टाइल, तो स्टाइल आप चूज कर सकते हैं बॉर्डर 3D डाउन 3D अप, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर कर देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप बॉर्डर का कलर भी दे सकते हैं, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे रेड कर दूँ तो रेड कलर में बॉर्डर आ जाएगी आपकी। इसी के साथ यहाँ पर आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो जिसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर येलो कर दिया, और अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं, मैंने जैसे यहाँ वाइट किया, या फिर आप ब्लू कर दें या ब्लैक कर दें, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नंबर दिया गया है कि आपने कौन से ऑब्जेक्ट का टेक्स्ट उठाया है, तो यहाँ पर जैसे जैसे आप उठाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर नंबर चेंज होते जाएंगे। अभी हमने फर्स्ट टाइम उठाया है तो यहाँ पर T0 टेक्स्ट दिख रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आपको याद रखना है T0, ये रहा यहाँ पर T0, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट का यूज करके हम आर्डिनो के अंदर जब कोडिंग करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट का यूज करके यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंगली कोई टेक्स्ट ऐड कर पाएंगे और वहाँ से जो भी लॉजिक परफॉर्म करवाएंगे तो इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर चेंजमेंट होंगे। तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। और इसी के साथ अगर आप बटन क्रिएट करना चाहते हैं तो बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बटन आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे 3-4 बटन क्रिएट कर लेता हूँ। प्रोग्रेस बार भी आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रोग्रेस बार का भी यूज करना है। अगर आपको कोई पिक्चर देनी है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। अब पिक्चर देने के लिए आप यहाँ पे साइड में ऑप्शन आ रहा होगा पिक्चर का, तो इसमें प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो पिक्चर साइज लेते हैं वो पिक्चर साइज 320x240 का लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर उसके अकॉर्डिंगली अपडेट की हुई थी तो मैं वो ले लेता हूँ। तो मेरी ये पिक्चर सपोर्ट नहीं हो रही है, कुछ साइज में प्रॉब्लम होगा, तो मैं दूसरी ले लेता हूँ जो मैंने अपडेट की थी। तो मेरी पिक्चर यहाँ पर अपडेट हो गई है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर बैकग्राउंड पिक्चर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं आप। अगर यहाँ पर जैसे मैंने पूरे डिस्प्ले को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे स्टाइल पर जाएंगे तो इमेज मैं चूज कर लूँगा। इसके बाद आप इमेज यहाँ से ब्राउज करेंगे और ये अपनी इमेज को यहाँ पर चूज कर पाएंगे, तो बैकग्राउंड में आपकी इस तरह से इमेज लग जाएगी। तो बेसिकली इस तरह से आप अपनी GUI को यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। और हम
आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे कैसे आप बटन्स के में लॉजिक प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे आप प्रोग्रेस बार में लॉजिक प्रोवाइड कर सकते हैं, और अभी हम देखते हैं कि कैसे हम नेक्सन डिस्प्ले में कोड अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आप इसको सबसे पहले, अगर आपने GUI क्रिएट कर ली तो आप इसको यहाँ पर डीबग भी कर पाएंगे, कंपाइल भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं ताकि कोई इरर तो नहीं आ रही है। तो मैंने कंपाइल पर क्लिक किया और यहाँ पर कोई भी इरर नहीं है, कंपाइल सक्सेसफुल लिख करके आ रहा है, 0 errors 0 warning। और इसके बाद आप यहाँ पर डीबग कर सकते हैं। तो डीबग जब आप करेंगे तो यहाँ पर सेम जैसा आपके डिस्प्ले में शो होने वाला होगा एग्जैक्ट वैसा ही यहाँ पर आपको शो होगा, और यहाँ पर भी आप उसी तरह से क्लिक कर पाएंगे बटन में जैसे यहाँ पे क्लिक हो रहा है। और अभी मैंने कोई लॉजिक इसमें नहीं दिया है तो इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर आपने कोई लॉजिक दिया होता तो यहाँ पे सिमुलेटर रिटर्न में यहाँ पर कुछ नंबर प्रोवाइड होते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पर पहले कंपाइल करके डिबग करके देख सकते हैं कि आपके लॉजिक सही हैं या नहीं। इसके बाद अगर हमको कोड अपलोड करना होगा तो कोड अपलोड करने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी टीटीएल टू यूएसबी कन्वर्टर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है अपने डिस्प्ले के साथ में। तो ये यहाँ पे प्रीबिल्ट कुछ कोड शो होगा, जो GUI प्रीबिल्ट आती है वो यहाँ पर अभी आ रही है। और अगर अब हमको कोड अपलोड करना है तो कोड अपलोड करने के लिए हम जाएंगे अपलोड के ऑप्शन में। अपलोड के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऑटो सर्च है, तो यहाँ पर आपका कॉम शो होने लगेगा कि कौन से पोर्ट का कॉम है। तो यहाँ पर कॉम 14 है मेरा, और बाकी सब कुछ हम ऐसे ही रहने देंगे और गो में क्लिक करें। गो में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर कोड अपलोड होगा। अब कोड अपलोड होने के प्रोसेस में आपको इस तरीके से UFRT अपडेट दिखेगा, जहां पर अब कोड हमारा अपलोड होना शुरू होने लगा है। राइटिंग डेटा आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये हमारा कोड अपलोड हो रहा है। और इसके बाद जब कोड अपलोड हो जाएगा तो यहां पर आपकी GUI क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आप इसको Arduino UNO के साथ में यूज कर सकते हैं, और जो भी इंटीग्रेशन करके आपको इस UI के अंदर अपडेट करना है वो आप Arduino के थ्रू कर सकते हैं। तो हम कोड अपलोड होने देते हैं इसमें। तो हमारा ये कोड अपलोड हो गया, इसके बाद अपडेट सक्सेसफुल लिख करके आ गया और ये हमारी GUI यहाँ पर बन गई। तो इसी तरीके से आप GUI को बना सकते हैं, और GUI को बनाने के बाद आप अपने Arduino UNO के साथ में इस GUI का यूज कर सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप इस GUI के अंदर एक अच्छी GUI को क्रिएट करके कैसे आप Arduino UNO के साथ में प्रॉपरली इंटीग्रेट कर पाएंगे। अभी तक हमने देखा कि कैसे आपने इस नेक्सन एडिटर को इंस्टॉल किया, और कैसे हमने इसके अंदर एक बेसिक GUI को बनाया, कैसे हम टेक्स्ट फील्ड में कलर ऐड करते हैं, कैसे हम टेक्स्ट फील्ड बटन्स को ऐड करते हैं, कैसे हम बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं, और कैसे हम कंपाइल करते हैं, डिबग करते हैं और अपलोड करते हैं। अब हम अपने लेफ्ट वीडियोज में देखेंगे कैसे हम यहाँ पर अपने सेंसर्स का डेटा या फिर और कोई क्लाउड से कोई डेटा आ रहा है तो वो चीज़ें कैसे हम अपने डिस्प्ले के अंदर शो करवाएंगे। सो मिलते हैं अपने लेफ्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।